YouTube की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार अपडेट आ गया है। इस अपडेट के बाद YouTube ने अपना इंटरफेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और आप भी जानते हैं, जब कोई नया अपडेट आता है उसमें कुछ इंटरफेस चेंज हो जाते हैं तो हमें अपडेट काफ़ी अच्छा लगता है। और इंटरफेस चेंज होने के बाद लोगों को भी वह बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले पुराने जो इंटरफेस था उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि पुराना इस तरीके का है और नया इस तरीके का आने वाला है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पुराना इंटरफेस आप देख सकते हैं, कोई भी किसी का भी वीडियो आप ओपन करते तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते थे। राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ पर आप लाइक डिसलाइक लाइव चैट शेयर और इस तरीके का सेव का ऑप्शन देखते हो और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ पुराना और जो पहले का अपडेट था कुछ इस तरीके से आता था। अब चलते हैं अपने नए अपडेट के बाद कि नए अपडेट में क्या चेंज हुआ है और कैसा भाई दिखने लगा है। तो चलिए दूसरी आईडी पर क्लिक करके दिखा देते हैं। अब देखिए नया अपडेट आपको दिखने वाला, किसी का भी आप चैनल ओपन करते हैं, वीडियो ओपन करते हैं। हेलो दोस्तों, यार अगर आप YouTube पे वर्क वॉइस को कर दिया हमने कम, आप देख सकते हैं कि नया अपडेट आपको कुछ इस तरीके से देखने वाला। इंटरफेस पूरा का पूरा चेंज हो गया, जहां पर आपको राइट साइड में आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखता था वो आप जाके लेफ्ट साइड के बीच में पहुंच गया। मोर का ऑप्शन, यहां से आप लोगों की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए लाइक और डिसलाइक का एक सेक्शन में कर दिया, शेयर का अलग हो गया, क्रिएट का अलग हो गया और डाउनलोड का अलग हो गया, थैंक्स का अलग हो गया, सेव का अलग हो गया, जो भी ऑप्शन आता है वो अलग हो। सब्सक्राइब का कुछ इस तरीके से आता, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो इस तरीके का आएगा, और अगर ज्वाइन बटन है तो साइड में ज्वाइन का सेक्शन अलग हो गया और यहाँ पर ऑल प्रमोशन का भी ऑप्शन अलग से कर दिया गया है। तो किस किस को यह अपडेट मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपको यह अपडेट पसंद आया है तो भी बताना, नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया, क्या वजह है, वो सारा कुछ बताना। और ऐसे ही न्यू अपडेट की वीडियो और सोशल मीडिया की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।